रियासतुद्दीन अवैसी, सीमांचल से उसको कोई मोहब्बत नहीं है, ये सौदागर है, टिकट बेचने आया। 3 करोड़ रुपए में, 3 करोड़ रुपए में एमआईएम का टिकट बेचा। जनता 7 तारीख को अवैसी को ट्रेन का टिकट कटाकर हैदराबाद वापस भेज दिया। खंडी लोग, गरीब और जनता को लूटने वाले लोग आज जो ये दावा कर रहे हैं हम बहुत गरीब का हमदर्द है, ये किस तरह का आतंक का राज चला रहे हैं। कोई भी गरीब उस पर जुल्म हो रहा है लेकिन वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं एक मामूली पद पर जीतने के बाद ये समझते हैं कि मैं यहाँ का हुक्मरान हूँ और ये जनता मेरी गुलाम है और मैं जनता का मालिक समझता हूँ और अपने आप को खादिम सेवक बनकर रात दिन 16 घंटा कम से कम खड़ा रहता हूँ। मैं आपको, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 6 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने 16 घंटा से कम यहाँ की जनता को अपने मालिक के लिए खर्चा। इससे पहले एमएलए होते थे, क्या होता था, कोई भी काम के लिए लोग जाए, मेरी सरकार नहीं है, और जो जीतने के बाद दोबारा फिर चुनाव में नहीं, बड़े बड़े सरदार के यहाँ वहीं पर उनकी जो हाजिरी होती थी, इन लोगों को बुरा लग रहा है कि मास्टर मुजाहिद गरीब मजदूर किसानों को जगाने का काम कर रहा है, एक आम आदमी मजदूर के भी आवाज को लबैक कहकर उसके लिए खड़ा हो जाता है। ये चीज किसी कठामठा गांव का, मोशिन गांव का नाम क्या था, आदिल आपके मोशिन गांव किसी पंचायत का मुझे एक दिन फोन किया हॉस्पिटल में, उससे टीबी मरीज 2000 रुपये रिश्वत ले लिया था। मैं फोन बात कर तुरंत हॉस्पिटल आया, डीएम साहब से बात किए, एसडीओ शफीक साहब आए, सिविल सर्जन आए, उस बात की पुष्टि हुई और उसी वक्त FIR हुआ और जो लैब इंचार्ज था उसको जेल भेजा गया, आपके मोहसिन गांव का आदिल। और रात को जाके वो आदिल को कौन बड़े सरदार लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं कि तुम गरीब आदमी हो, काहे किसी पदाधिकारी पर केस करते हो। वो गरीब बोला कि मेरे एक कॉल पर, फोन पर विधायक जी यहाँ आए और कार्रवाई किए, मैं कुछ भी हो जाए मैं केस वापस नहीं लूंगा, और उस गरीब ने सच्चाई से खड़ा रहने का काम किया। इसी पंचायत का हासिम साहब टेम्पो ड्राइवर, 12 बजे रात को फोन करता, मैं पटना में हूं कि मुझे GRP के हवलदार ने मुझे पिटाई कर 250 रुपये ले लिया। मैं फोन करके अपना बॉडीगार्ड सचिन, वो किशनगंज में था, भेजा, अपने लोगों को भेजा, उस हवलदार की पहचान हुई और फिर GRP इंस्पेक्टर से बात कर उसको सारा वाकया बताया। वो जब लिख करके उनको दिया, वो GRP हवलदार उस गरीब जो है टेम्पो ड्राइवर के पैर में गिरकर रोने लगा, और वो हमारा टेम्पो ड्राइवर भाई इसी कठामठा का, बोल मार साहब, बोले माफ कर दे, मोर पाखन पकड़े, बोले बहुत कानो, बोले बाग, बोले माफ कर दे। तो ये सब काम हम लोग करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता, हम अगर लूटने लुटवाने का काम करते तो इनको अच्छा लगता। इस पंचायत में इंदिरावास की क्या स्थिति है, शौचालय बना, और पंचायतों में शौचालय बना, सब शौचालय यूज हो रहा है, अपने भट्टा का 3 नंबर ईटा, मोदो का बालू, 15 किलो सीमेंट, एक भी शौचालय खड़ा नहीं है, सब भाग गया है। और आप यहाँ कठामठा की जनता जाग चुकी है, और मैं ये वादा करता हूँ सबका, मैं जांच करवा कर ऐसे घोटालेबाज को जेल भिजवाने का काम करूंगा। अब
बोले काम कोई और करवे, तो जरा दामाद का क्षेत्र जाके घूम के आओ कि 2017 में बिहार में जो सरकार आ गई आज तक वहां पर जो है उसको नहीं बहाल कर पाए। आज बिजली की स्थिति केरागाज में बहादुरगंज में क्या है और जनता को कोचा धामन में गुमराह कर रहे हैं कि जो है यहाँ पर ये जो है कोयो बनेगा तो बोले विकास होगा। और दामाद क्या बोल रहा है, खुले आप बोल रहा है कि असदुद्दीन अवैसी सीमांचल से उसको कोई मोहब्बत नहीं है, ये सौदागर है, टिकट बेचने आया। 3 करोड़ रुपये में MIM का टिकट बेचा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, MLA तौसीफ आलम कर रहा, आप लोग मोबाइल में वीडियो में थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 3 करोड़ रुपये में टिकट बेचा। और कहा तौसीफ आलम ने कि जनता 7 तारीख को अवैसी को ट्रेन का टिकट कटाकर हैदराबाद वापस भेजेगा। आप जो है एक मास्टर मुजाहिद को घेरने के लिए हेलीकॉप्टर लेके हर गांव में उतर रहा, इस गांव उस गांव उस गांव उस गांव, आज तक दर्जनों बार हेलीकॉप्टर उतार चुका है। लेकिन मुझे मेरे साथ यहाँ की जनता है, यहाँ उसका प्यार है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। ये क्या बोलते हैं आपके प्रवक्ता के ही सभा में, क्या बोलते हैं, क्या क्या बातें नहीं करते हैं, हैं? बोले मुल्क तो मुल्क सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला बड़ो बड़ो गाड़ी ऐसी मोक बोले शौक छे MLA बनवार, मोर शौक पूरा कर दे। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।